हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, है ना। समरी का वीडियो हमने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर बहुत ही इमोशनल है। अगर कहा जाए तो हम में से ही कई सारे लोगों के लाइफ के साथ ये चैप्टर जुड़ा हुआ है, क्योंकि कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस, ये जो इमोशन है जो इस चैप्टर में दिखाया गया है, वो हमने किया हुआ है। ठीक है, चलो चैप्टर शुरू करते हैं। द लिटिल गर्ल। तो लिटिल गर्ल के लिए वो एक ऐसा इंसान था, यानी कि वो अपने पापा के बारे में बात कर रही है। वो एक ऐसा इंसान था जिससे डर कर और बच कर रहा जाए। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आता, वो यानी कि उसके पापा, और उसे यानी कि लिटिल गर्ल को किस करता, जिसका वो गुड बाय फादर ऐसा कहकर वो जवाब देती। और फिर उसे कितनी राहत मिलती जब उसे लंबी सड़क पर जाती हुई गाड़ी की धीमी होती हुई आवाज़ सुनाई देती। यानी कि जैसे हमारे पापा अगर कोई बाइक या कार लेके निकलते हैं तो वो आवाज़ जैसे जैसे वो दूर चले जाते हैं वैसे आवाज़ धीमी होती जा रही है। फिर हमें एहसास हो जाता है, यकीन हो जाता है कि हाँ अब पापा गए। तो शाम को जब वो घर आता तो वो स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और हॉल में उसकी आवाज़ ऊंची आवाज़ सुनती। किसकी? उसके पापा की। मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले लाओ। क्या अभी न्यूज़पेपर नहीं आया है? माँ जाकर देखोगी मेरा न्यूज़पेपर बाहर तो नहीं है? और मेरी स्लीपर्स, मेरी चप्पल ले आओ। कैजिया, माँ उसे पुकारती है, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर अपने पिता के जूते उतार सकती हो। धीरे से लड़की सीढ़ियों से उतरते और भी धीरे धीरे हॉल को अक्रॉस यानी कि पार करते और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर खोलती है। उस समय तक उसने यानी कि उसके पिताजी ने अपना चश्मा लगा लिया होता है, और जब वो उसके ऊपर से यानी कि जो चश्मा पहना हुआ है उसके ऊपर से उस लड़की को इस तरह देखता है जो उस नन्ही लड़की को भयभीत करने वाला होता है, डरा देता है। अच्छा कैजिया, जल्दी करो और जूते उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? आई डोंट नो फादर, मुझे पता नहीं है। यू डोंट नो? तुम्हें पता नहीं है? अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। एक्चुअली वो दूसरे लोगों के साथ बात करती हुई कभी नहीं हकलाती थी, लगभग ऐसा करना छोड़ चुकी थी, लेकिन सिर्फ अपने फादर के साथ बात करते हुए वो हकलाती थी, अटकती थी, क्योंकि उस समय वो शब्दों को यानी कि वर्ड्स को प्रॉपरली सही ढंग से बोलने का एक कठिन प्रयत्न कर रही होती है। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लड़की की माँ वो बताता है, मैं चाहता हूं तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वो ऐसी शक्ल ना बनाया करे जैसे आत्महत्या करने को खड़ी हो। कैजिया, ये लो मेरी चाय का कप और ध्यान से वापस टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े शरीर का था, उसके हाथ और गर्दन, स्पेशली उसका मुंह कितना बड़ा दिखाई देता था। जब वो यौन यानी कि अंगड़ाइयाँ लेता था, उसके बारे में सिर्फ सोचना ही, एक जाइंट के बारे में सोचना ऐसा लगता था। संडे के दिनों में यानी कि रविवार के दिनों में आफ्टरनून के बाद दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती ताकि वो फादर एंड मदर से अच्छी तरह से बातचीत कर सके।
अच्छा, जो लिटिल गर्ल है उसकी दादी लिटिल गर्ल को संडे के आफ्टरनून ड्राइंग रूम में भेजती। वहाँ उसके मदर और फादर बैठे होते हैं, तो दादी चाहती थी कि लिटिल गर्ल अपने मदर फादर से अच्छी तरह से बात कर सके। लेकिन लिटिल गर्ल यानी कि नन्ही लड़की हमेशा देखती थी, जब भी वो वहाँ जाती थी वहाँ देखती थी कि माँ पढ़ रही होती है और उसके जो फादर है वो सोफे पर पसार कर लेटे होते हैं, रुमाल मुंह पर रखे हुए। ये सीन तो हमने काफ़ी बार अपने घर पे भी देखा हुआ है ना। और फादर का जो पैर है वो बेस्ट कुशन में से एक पर पैर टिकाए हुए हैं, गहरी नींद सोए हुए हैं और खर्राटे लेते हुए है ना। वो स्टूल पर बैठ जाती है गंभीरता से, बहुत ही सीरियसली से उसे देखते, जब तक वो जाग नहीं जाता और वो भी अंगड़ाइयाँ लेते हुए। वो टाइम यानी कि समय पूछता है कि क्या टाइम हुआ, और फिर लिटिल गर्ल की तरफ देखता है। इस तरह आंखें फाड़ कर मत देखो कैज़िया, तुम एक लिटिल ब्राउन ऑल यानी कि एक छोटे ब्राउन उल्लू के जैसी दिखाई देती हो। एक दिन जब कोल्ड यानी कि जुकाम के कारण उसे घर के अंदर ही रखा गया, उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके फादर का बर्थडे अगले वीक था, और उसने सजेशन दिया यानी कि दादी माँ ने सजेशन दिया कि लिटिल गर्ल अपने फादर के लिए उसके बर्थडे के गिफ्ट के लिए एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क यानी कि एक अच्छे पीले सिल्क के कपड़ों से एक पिन कुशन बनाए, एक अच्छा सा कुशन बनाए, और वो बनाकर अपने फादर को गिफ्ट करे। बड़ी मेहनत के साथ लिटिल गर्ल ने डबल कॉटन से तीन तरफ सिलाई की, लेकिन उसे किस चीज़ से भरा जाए, अंदर कुछ भरना तो है ना, कुछ स्टफ कुशन के अंदर। अब क्वेश्चन ये था कि उसके अंदर क्या भरा जाए। दादी माँ बाहर गार्डन में थी और वो लड़की स्क्रैप्स यानी कि कतरने ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए अपनी माँ के बेडरूम में चली गई। बेड के साथ लगी हुई एक टेबल पर उसे कुछ फाइन पेपर्स, कुछ सुंदर कागज़ के बहुत से पन्ने मिले, बहुत ही पेजेस मिले। उसने उन्हें इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और अपने केस में यानी कि अपने कुशन में भर दिया, और फिर जो आखिरी साइड सिलाई करने के बाकी था वो भी सिलाई कर दिया, उस तरफ से भी सिल दिया। उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ, होगा ही भाई, अब देखते हैं वो क्या था। तो उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ, पोर्ट अथॉरिटी के सामने पढ़ा जाने वाला फादर की ग्रेट स्पीच, वो जो कागज़ था वो खो गया था। कमरों में ढूंढा गया, नौकरों से भी पूछा गया, एंड में मदर कैजिया के कमरे में चली गई और उसने कहा, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम। क्या मेरे ख्याल में तुमने हमारे कमरे में टेबल पर कुछ कागज़ तो बिल्कुल नहीं देखे है ना। कैजिया कहती है, अरे हाँ, मैंने अपने काम के लिए उन्हें फाड़ दिया। क्या, माँ चिल्लाई। उसी समय नीचे डाइनिंग रूम में चलो, और उसे वहाँ तक घसीटा गया। लिटिल गर्ल को घसीट के उसकी माँ डाइनिंग रूम तक लेके गई। वहाँ उसके फादर अपने दोनों हाथों को पीछे करके यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जैसे हमारे फादर भी कभी कभार हम जब लेट आते हैं तो वेट करते हुए ऐसे ही हमारी राह देखते हैं ना। वैसे तो क्या हुआ, उसने तीखी आवाज में पूछा। फादर ने, माँ ने पूरी बात विस्तार से बता दी। वो रुक गया और बच्ची को घूर कर देखने लगा। क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 फादर, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई। माँ ऊपर उसके कमरे में जाओ और उस चीज को नीचे लाओ, और ध्यान रहे बच्ची को इसी वक्त बिस्तर पर लेटा दो। वो इतना रो रही थी कि बात को समझने के लायक ही नहीं थी।
वो अंधेरे में ही कमरे में पड़ी पड़ी रो रही थी और इवनिंग लाइट, जो लाइट कमरे में आ रही थी उस पर फ्लोर पर उस लाइट से लिटिल पैटर्न, कुछ डिज़ाइंस बन रही थी, उस बस वही वो देखती रही। फिर फादर अपने हाथों में रूलर यानी कि एक स्केल लिए हुए कमरे में आया। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, बेड क्लोथ्स यानी कि बिस्तर के कपड़ों के नीचे छिपते हुए वो चिल्लाई। उसने यानी कि पिताजी ने सारे कपड़ों को एक तरफ खींचा, उठकर बैठो उसने आदेश दिया और अपने हाथ आगे करो, तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना होगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे हाथ नहीं लगाना होता। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो आपके जन्मदिन के लिए था। रूलर नीचे आया और उसके छोटे लिटिल पिंक पाम एक उसकी छोटी छोटी हथेलियों पर शटाक से पड़ा। कुछ घंटों बाद जब दादी ने उसे यानी कि लिटिल गर्ल को शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर यानी कि झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, तो लिटिल गर्ल यानी कि बच्ची उसके कोमल दादी की कोमल शरीर से चिपक गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने फादर्स किस लिए बनाए थे, उसने सिसकी लेते हुए कहा। डियर ये साफ रुमाल लो और अपनी नाक साफ करो, मेरी दुलारी अब सो जाओ, सुबह तक तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। फिर लिटिल गर्ल की दादी कहती है, मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की थी लेकिन आज रात वो इतना परेशान था कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन लिटिल गर्ल वो बात कभी नहीं भूली। अगली बार जब उसने अपने फादर को देखा तो उसने झट से दोनों हाथ अपनी पीठ की तरफ पीछे कर दिए और उसके गाल लाल हो गए डर के मारे। मैकडॉनल्ड फैमिली पड़ोस में ही रहता था, उनके 5 बच्चे थे। दीवार की गैप में से झांकते हुए छोटी लड़की यानी कि लिटिल गर्ल ने उन्हें टैग यानी कि वो छू कर भाग जाना होता है ना, वैसा गेम खेलते हुए देखा। फादर जिसके कंधों पर, अब मैकडॉनल्ड, अब वो फैमिली कैसी थी, उसका जो फादर है जिसके कंधों पर छोटी सी नन्ही माओ एक लड़की, छोटी सी लड़की थी, 2 छोटी लड़कियां उसके कोट के जेबों से लटकी हुई थी, वो फूलों की क्यारी यानी कि फ्लावर बेड्स से के आसपास दौड़ता हुआ चक्कर काट रहा था और बहुत ही हंस रहा था। एक बार उसने लड़कों को पानी का पाइप उसके तरफ घुमाते हुए देखा और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो जो फादर था वो पूरा टाइम हंसते हुए कर रहा था। तभी उसने डिसाइड किया कि देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर्स, फादर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अचानक एक दिन लिटिल गर्ल की जो माँ है वो बीमार हो गई और वो और उसकी दादी यानी कि लिटिल गर्ल की माँ और उसकी दादी हॉस्पिटल चले गए। लिटिल गर्ल यानी कि छोटी लड़की घर में एलिस नाम की कुक थी उसके साथ अकेली रह गई। दिन के दौरान तो सब कुछ ठीक था लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो वो अचानक डर गई। मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई डरावना सपना आया तो, उसने पूछा। मुझे पहले डरावने सपने आते रहते हैं और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले लेती है, मैं अंधेरे में रह नहीं सकती हूँ, वहाँ धीमी धीमी आवाज़ आती है। बच्चे तुम सिर्फ सो जाओ, एलिस ने उसकी शॉक्स उतारते हुए कहा। चिल्लाकर तुम अपने बेचारे पापा को जगा नहीं देना, ठीक है। लेकिन उसने वही पुराना सपना देखा फिर से। अब लिटिल गर्ल सो रही है और उसने वो सपना देखा। क्या है वो सपना? नाइफ यानी कि छुरा
और रोप यानी कि रस्सा लिए हुए एक बूचर यानी कि एक कसाई जो नज़दीक और नज़दीक आता जा रहा है, अपनी वही भयानक मुस्कान मुस्कुराते हुए। जबकि वो लड़की हिल भी नहीं सकती, सिर्फ खड़ी खड़ी चिल्ला सकती थी, दादी माँ दादी माँ। कांपते हुए वो जाग उठी और अपने फादर अपने पिता को उसी टाइम पे अपने बिस्तर के नज़दीक हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए देखती है और वो और भी डर जाती है। व्हाट्स मैटर, क्या बात है, उसके फादर ने पूछा। वो एक कसाई, वो एक छुरा, मुझे 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 दादी माँ चाहिए। उसने मोमबत्ती बुझा दी और झुककर लिटिल गर्ल को अपनी बाहों में ले लिया और उसे पैसेज यानी कि बरामदे में से उठाए हुए बड़े बेडरूम में ले गया। एक न्यूज़पेपर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, एक आधा जला हुआ सिगार उसके पढ़ने के लैंप के पास पड़ा हुआ था। उसने न्यूज़पेपर यानी कि पिताजी ने फादर ने न्यूज़पेपर दूर फेंक दिया और सिगार को फायरप्लेस में फेंक दिया। फिर ध्यान से बच्ची को कपड़ों में लपेट दिया, ढक दिया। वो उसके पास लेट गया, कैसे पता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे है ना, ऐसे। तो फिर उसके पास वो लेट गया और वो जो लिटिल गर्ल है वो अभी पूरी तरह से सोई नहीं थी। ऐसा लगता था कि अभी भी कसाई की वो मुस्कान उसकी आंखों में घूम रही थी। वो सट कर बिल्कुल अपने फादर से लग कर सो गई, लगी हुई थी, अभी सोई नहीं थी। उसकी बाहों के नीचे अपना सिर सिटाकर और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया डर के मारे। अब अंधेरे की परवाह बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल ही आराम से लेटी रही। अपने तलवों को मेरे टांगों के साथ रगड़ो और इन्हें गर्म कर लो, उसके फादर ने कहा। थका हुआ वो फादर लिटिल गर्ल यानी कि नन्ही लड़की से पहले ही सो गया। उसके अंदर एक अजीब एक फनी फीलिंग्स जागने लगी, किसके अंदर, लिटिल गर्ल के दिमाग के अंदर एक फनी फीलिंग्स, एक तरह की अजीब ही फीलिंग्स उसके दिमाग में उसके मन में आने लगी। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, आखिर इतना बड़ा नहीं है और कोई उसकी देखभाल भी करने वाला नहीं था। वो दादी माँ से ज़्यादा कठोर शरीर का था, उस हार्ड बॉडी था, लेकिन ये एक प्यार भरी कठोरता थी। ये हार्डनेस बहुत ही अच्छी थी, फाइन थी और हर दिन उसे काम करना पड़ता था और वो इतना थक जाता था कि मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकता था। उसने उसका पूरा यानी कि लिटिल गर्ल ने उसकी पूरी ब्यूटीफुल राइटिंग सुंदर लेख फाड़ डाला था। वो अचानक हिली और एक गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, उसके फादर ने पूछा। क्या कोई और डरावना सपना आया, लिटिल गर्ल ने कहा। मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, डियर फादर, आपका दिल कितना बड़ा है। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी स्टोरी द लिटिल गर्ल। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।